हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी। बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पॉलिटिकल लास्ट टाइम हमें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। विच इज़ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेजिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। फर्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकेंड, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। थर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 3 ओनली। अब शुभ आरंभ कर लेते हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का। बहुत सारे डिमांड्स भी आई बच्चों की कि वो ज्योग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फाइनली वो घड़ी आ गई है। एंड द फर्स्ट चैप्टर इज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। बहुत ही सिंपल चैप्टर जो आपको समझाएगा कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है और क्या क्या अप्रोचेज हमें फॉलो करनी चाहिए जब हम ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले मीनिंग से ही। तो ज्योग्राफी एक सिंपल मीनिंग में अगर हम डिफाइन करते हैं तो जियो एंड ग्राफोस दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं, और ग्रीक में जियो का मीनिंग होता है अर्थ एंड ग्राफोस का मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन। तो इन सिंपल वर्ड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज टर्म्ड एज ज्योग्राफी। तो ह्यूमंस का घर है ज्योग्राफी के लिए अगर हम बात करें अर्थ, अर्थ जो है ह्यूमंस का घर है, और उसी को ही अगर हम डिस्क्राइब करना शुरू कर दें कि वो कैसी है तो वो ज्योग्राफी का एक पार्ट बन जाएगी। एंड ये कॉइन किसने किया था या ये टर्म हमें किसने दी थी, एक ग्रीक स्कॉलर थे जिनका नाम है इराटोस्थनीस, इन्होंने ये हमें टर्म दी थी ज्योग्राफी। एंड इनका ये मानना है, या सभी का जनरल वे में ज्योग्राफिस का ये मानना है कि ये इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर को बताता है। अब ह्यूमंस जो हैं वो नेचर में ही पैदा हुए और नेचर ने ही हमें कुछ रिसोर्सेज दिए जिसको यूज़ करके ह्यूमंस ने धीरे धीरे डेवलप किया, और उसी इंटरडिपेंडेंस को हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमंस ने अपने कल्चर को डेवलप किया। ये ज्योग्राफी का एक पार्ट है। तो अब हम देखते हैं ज्योग्राफी में एक जनरल वे में कि हम क्या पढ़ेंगे। ज्योग्राफी जो है उसमें हम स्टडी करेंगे स्पेस में भी, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स की बात करते हैं, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, ये सब कुछ पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्लाइमेटोलॉजी यानी कि फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं, क्लाइमेट कैसा है किस किस एरिया का, और उसी के रिगार्डिंग उसकी वेजिटेशन कैसी है, वहाँ पर एनिमल्स कैसे हैं, वो कैसे प्रिवेल करते हैं उसके बारे में। टोपोग्राफी यानी कि हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, प्लेन्स की बात करेंगे, माउंटेन्स की बात करेंगे, टोपोग्राफिक कंडीशन की बात करेंगे। साथ ही साथ ह्यूमन की डेवलपमेंट कैसे हुई विद टाइम, विद रेफरेंस टू टाइम, किस किस एरिया में अपना कल्चर डेवलपमेंट उन्होंने ह्यूमंस ने कैसे किया नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, वो सब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं ज्योग्राफी एज अ इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। तो इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे दो टर्म्स जो हैं हमारे सामने आती हैं, दैट इज स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन। तो स्पेशल वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है ज्योग्राफिक स्पेस, यानी कि एक टेरिटोरियल एरिया या एक जब लैंडमार्क की अगर हम बात करें तो स्पेशल का मीनिंग होता है ज्योग्राफिक स्पेस। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंडमार्क पे या एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया पे ह्यूमंस ने अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा है, कैसे उस सिचुएशन को अडैप्ट करके वहां पे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। वेयर एज स्पेशल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करते हैं कि एक एरिया की अगर हम बात करें, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया, शिवालिक्स को ले लीजिए या आप प्लेन्स को उसके साथ ही कंपेयर कर लीजिए, तो वहां पे छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे अपने आप को या छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमंस ने अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, और उनकी साथ ही साथ कल्चरल एंड आपस में इंटरडिपेंडेंस कितनी है एक दूसरे के ऊपर, या दो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में आपस में कल्चरल इंटरडिपेंडेंस कैसी है, उसे हम स्पेशल इंटीग्रेशन कहेंगे। तो हम देखते हैं ज्योग्राफी किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। तो ज्योग्राफी तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करता है। फर्स्ट एस्पेक्ट इज व्हाट। तो कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिनाज जो हैं वो वर्ल्ड में होते रहते हैं, तो वो फिनोमिनाज क्या हैं, ज्योग्राफी उसके ऊपर फोकस करेगा। सेकेंड इज वेयर, कि वो फिनोमिनाज जो हम देखते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है या पर्टिकुलरली किसी एक ही रीजन में है, तो वेयर पे ज्योग्राफी फोकस करेगा। तो थर्ड इज व्हाई, कि व्हाट एंड वेयर को मिला के एक रीजन निकालें कि वो अगर हम एग्जाम्पल लें नॉर्दर्न लाइट्स का, तो नॉर्दर्न लाइट्स क्या है, व्हाट के लिए अगर हम बता दें
स्टार्स को नेम करना हो तो नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। वेयर की अगर हम बात करें, वेयर में बोलते हैं कि सिर्फ नॉर्थ पोल पे ही होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही होती हैं। तो एक रीज़न निकालना हो हमें व्हाट एंड वेयर का कि क्यों ही नॉर्दर्न लाइट्स जो हैं वो नॉर्थ पोल पे होती हैं, तो वाई जो रीज़न या मैग्नेटिक फील्ड वाला जो रीज़न हम देते हैं नॉर्दर्न लाइट्स का, वो वाई जो है जस्टिफाई करती है हमें, क्या कौन करती है, ज्योग्राफी जस्टिफाई करती है अपने थ्री फोल्ड जो मोटिव के साथ कि व्हाट वेयर एंड व्हाई। तो हम बात करेंगे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, यानी कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, क्योंकि टाइम टू टाइम बेसिस पे भी हम देखते हैं इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली किस चीज़ में चेंजेस आए या पहले वो कैसा था, उस चीज़ को भी हम स्टडी करेंगे। तो हमने क्या कहा, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट ऑफ सिंथेसिस है। सिंथेसिस यानी कि बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे फर्दर सब्जेक्ट्स या बहुत सारे हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स जो हैं ज्योग्राफी से फर्दर हम डिराइव कर सकते हैं। बट ब्रॉड कैटेगरीज में अगर हम देखें तो ज्योग्राफी को दो तरीके से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑन स्पेशल सिंथेसिस, सेकेंड ऑन टेम्पोरल सिंथेसिस। स्पेशल का मैंने आपको पहले ही बताया, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे तो ज्योग्राफी की फर्दर डिविजन हुई है, यानी कि ज्योग्राफिकल लैंड मासेस के बेसिस पे या ज्योग्राफिकल या टेरिटोरियल एरियाज के बेसिस पे जो डिफरेंस हम निकालते हैं या डिफरेंट डिसिप्लिन्स निकालते हैं, वो ज्योग्राफी का एक जो है पर्टिकुलर सिंथेसिस वाला पॉइंट हो गया। सेकेंडली टेम्पोरल सिंथेसिस, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टेम्पोरल का मीनिंग होता है हमारे पास टाइम, कि टाइम के बेसिस पे हम ज्योग्राफी में क्या क्या चेंजेस देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में या किसी लैंडमास में या किसी भी चीज़ पे क्या क्या चेंजेस आए, या ह्यूमंस ने वहाँ पे कल्चरली या इकोनॉमिकली कैसे डेवलप किया, वो हम पढ़ेंगे टेम्पोरल सिंथेसिस में। तो हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेज। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है हमारी स्पेशल ज्योग्राफी के एक तरह से पार्ट रह जाती है, एंड नेचुरल साइंसेज वो साइंसेज जो नेचुरल फिनोमेनास को स्टडी करती है, उसका डिपेंडेंसी आपस में ज्योग्राफी की और नेचुरल साइंसेज की कैसे है। कि हम देखते हैं ट्रेडिशनल जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है उसके कुछ नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट्स के साथ जो है आपस में बहुत रिलेशंस हैं। जैसे हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं वहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी लगती थी, वेराज ज्योग्राफी की बात भी करते हैं क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस की हम बात कर रहे हैं, तो वो सब के सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो वेराज अगर हम मैप को डिफाइन करें या कार्टोग्राफी जिसे हम बोलते हैं, मैप्स बनाने की बात करते हैं, तो उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ आपको आर्टिस्टिकली जो है वो कहते हैं हम कि आर्टिस्टिकली आपको वेल वर्स भी होना होगा, बट साथ ही साथ आपको मैथमेटिकली भी बहुत वेल वर्स होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेसिस पे ही आप एक अर्थ जो कि एक ज्योइड है, तो जैसे हम बात करते हैं एक ऑरेंज की, तो अर्थ की शेप जो है पर्टिकुलरली एक ऑरेंज की तरह ही है बट स्लाइटली टिल्टेड। तो एक कार्टोग्राफर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट को 2D फॉर्मेशन में बनाए, तो उसके लिए बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की भी ज़रूरत है। तो कार्टोग्राफर को वेल वर्स होना पड़ेगा, यानी कि प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा बोथ इन आर्ट्स एज वेल एज इन मैथ्स। तो ये इंटरडिपेंडेंस है फिजिकल ज्योग्राफी की नेचुरल साइंसेस पे, कि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ज्योग्राफी अलोन इज नॉट हैंडलिंग बट अदर सब्जेक्ट्स की हेल्प उसको लेनी पड़ रही है। तो ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेस की बात करते हैं, तो सोशल साइंसेस जो हैं वो साइंसेज जो सोसाइटी के साथ कहीं ना कहीं डील करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फिलोसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सब कुछ आ जाता है। तो ज्योग्राफी जो है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बात करें इकोनॉमी की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में इकोनॉमी कितने टाइम पे किस हिसाब से ग्रो किया या कैसे इकोनॉमी डाउन जा रही है, वो आपस में इंटरडिपेंडेंस है। फिलोसफी क्या है ज्योग्राफी की, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है या कैसे है, ये सारी इंटरडिपेंडेंस है ज्योग्राफी की सोशल साइंसेज के साथ। सेकेंडली ज्योग्राफी का रिलेशन है स्पेशल एज वेल एज टेम्पोरल एस्पेक्ट के साथ, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सोशल साइंसेज हैं वो भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल कंडीशंस या टोपोग्राफी ऑफ अ प्लेस, कुछ भी ऐसे सर्वेज जो हैं इकोनॉमिकली अगर हम बात करें वो उसके ऊपर भी डेवलप करने पड़ते हैं हमें, कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इकोनॉमिक सर्वेज निकालते हैं कि 2010 में ये इंडेक्स ऐसे था, 2021 में चेंजेस जो हैं इस हिसाब से आ गए, वो सारे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। स्पेशल के बेसिस पे बात करते हैं तो कोरल रीफ्स की बात कर लेते हैं हम, कि पहले कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन कैसे हुई एंड कैसे अब कोरल जो
रीफ्स हैं वो टाइम टू टाइम कैसे ब्लीच हो रही हैं, उसके रीजंस क्या हैं, वो इसके अंदर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली मैप्स एंड स्पेशल पैटर्न्स की बात करते हैं, तो मैप्स एंड स्पेशल पैटर्न्स के हिसाब से अगर हम देखें पासिस का क्या रोल रहा है, या हिमालयस ने कैसे चाइना से या फिर हमें वॉर से बाकी कैसे बचाया, या हिमालयस का क्या हमारे वैल्यू रही है हमारे क्लाइमेट की फॉर्मेशन में, तो कहीं ना कहीं ये हमारी हिस्ट्री से भी लिंक्ड है, क्योंकि सिल्क रूट का पार्ट भी रहा है हिमालयस, तो ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो एक ऑस्मोटिक रिलेशनशिप है ज्योग्राफी का अदर सोशल साइंसेज के साथ, वो ऐसे कि ऑस्मोटिक रिलेशनशिप यानी कि ऑस्मोसिस जैसे हम पढ़ते हैं, तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ ना कुछ जो इंग्रेडिएंट्स है वो पास होकर निकलता है। तो सिमिलरली कुछ ऐसी गिनी चुनी इन्फॉर्मेशन ज्योग्राफी जो है अपनी बाकी सब्जेक्ट से भी लेता है विदाउट इंटरफेयरिंग इन दैट सब्जेक्ट पर्टिकुलरली, वो उसे कुछ कुछ गिनी चुनी जो है इन्फॉर्मेशन उठाता रहता है, तो एक ये ऑस्मोटिक रिलेशनशिप जो है वो बरकरार रहता है। तो बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के, हमें कौन से अप्रोचेस को लगाना चाहिए ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच में हम ज्योग्राफी को एज अ होल पढ़ लेते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी या यूनिवर्स की ज्योग्राफी हम इकट्ठे पढ़ते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन निकालते हैं। ये हमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था जो कि एक जर्मन थे। वेयरएज अगर हम रीजनल अप्रोच की बात करते हैं तो हम एक कुछ पर्टिकुलर एरिया को छोटे 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 रीजन्स डिवाइड करते हैं। एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर हम पढ़ रहे हैं तो एज अ वर्ल्ड पूरा पढ़ने के बाद अगर उसे हम कंपेयर करें तो वो सिस्टमैटिक अप्रोच में आएगा। वेयर एज अगर हम पर्टिकुलरली कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करके एक एक कॉन्टिनेंट को सेपरेटली पढ़ें, उसी तरीके से फर्दर उन्हें बाद में कंपेयर करें, तो वो रीजनल अप्रोच आ जाती है। तो मतलब एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल रीजन्स एंड देन कंपेयर्ड। और ये हमें दिया था कार्ल रिटर ने जो कि थे स्टूडेंट्स अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के। तो हम देखें कि सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या क्या एस्पेक्ट है ज्योग्राफी का। तो डिवाइड किया है सिस्टमैटिक अप्रोच पे ज्योग्राफी को हमने तीन पार्ट्स में। फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है हमारे फिजिकल जितने भी फिनोमेनाज ऑलरेडी नेचुरल प्रोसेसेस जो चल रहे हैं उनकी बात करता है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी होती है यानी फॉर्मेशन ऑफ लैंड मासेस की बात करते हैं हम। सेकेंड इज क्लाइमेटोलॉजी कि ऐसे कैसी विंड्स चल रही हैं या ऐसा क्या पोजिशन है एक एरिया की जहाँ पे वो एक एरिया का क्लाइमेट कैसे डिफाइन किया जाता है, कि क्लाइमेट कैसे किस एरिया का है वो डिफाइन किया जाएगा। हाइड्रोलॉजी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ या फिर प्रेजेंट या फ्यूचर कंडीशन की बात करते हैं हम, लेक्स की, वाटर बॉडीज की, तो ये सब इसमें इंक्लूड करेंगे। सॉयल ज्योग्राफी यानी कि हम बात करेंगे कि सॉयल कैसी है किस एरिया की, वो इस चीज में हम पढ़ते हैं। सिमिलरली ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी आती है कि एक पर्टिकुलर या फिर पूरे वर्ल्ड को एज अगर होल कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ की सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की कैसी है, उनके कल्चर कैसी है, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। सिमिलरली पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ऑफ ज्योग्राफी की पॉपुलेशन जो है कहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड है, कहाँ डेंसली पॉपुलेटेड है, कहाँ न्यूक्ली पॉपुलेटेड है, वो सब इसमें ही होगा। सेकेंडली फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं कि इकोनॉमिकली कौन सा एरिया जो है ज़्यादा रिच है, क्यों रिच है, वहाँ पे ऑयल तो नहीं है, कि कैसे अगर हम बात करें। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के हिस्ट्री के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ओरिजिनली हमारा सिल्क रूट क्या था, अब क्या बन के रह गया है, वो सब इसी का पार्ट रहेगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर एरिया है जो ज्योग्राफिकली या पॉलिटिकल वे में भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हिमालयस का ही अगेन मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि हिमालयस कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है इंडिया को फ्रॉम फर्दर इन्वेजन ऑफ चाइना। तो बायोज्योग्राफी जो है एक और एस्पेक्ट है जिसमें हम प्लांट्स रिलेटेड बात करेंगे तो वो प्लांट ज्योग्राफी हो जाएगी। बाकी ह्यूमन अपना स्पीशीज बात करें अगर हम एनिमल्स की तो वो जू ज्योग्राफी में हो जाएगी। इकोलॉजिकली सिंपल जो है इकोलॉजी एज अ होल अगर हम वेरियस स्पीशीज की बात करते हैं तो वो हो जाएगी। तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी एज अ होल अगर हम देखेंगे तो बायोज्योग्राफी का एक पार्ट बनकर रह जाएगा। तो हम बात करते हैं रीजनल अप्रोच की कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं। तो वहाँ पे रीजनल एरियाज यानी कि छोटे छोटे रीजन्स को लेके डिफरेंट तरह की स्टडीज जो है, स्टडी या सब्जेक्ट्स तो वही रहेंगे जो पीछे हमने तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बट वो रीजनल एरियाज के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएंगे कि रीजनल एरियाज को लेकर स्टडीज होंगी या उनकी रीजनल डेवलपमेंट कैसे हुई। तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये एस्पेक्ट जो है हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो रीजनल डेवलपमेंट कैसे हुई
थोड़े थोड़े एरियाज की, साथ ही साथ रीजनल प्लानिंग या वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया, क्या वहाँ के जो रूलर्स थे उस टाइम पर उन्होंने क्या ऐसी प्लानिंग की जो उनकी कंडीशन उस हिसाब से हैं। तो रीजनल एनालिसिस जब हम निकालते हैं पर्टिकुलर रीजन को, छोटे छोटे रीजन को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो दो तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। एक तो जब हम स्टेटमेंट वाइज ही कुछ चीज़ बता दें तो वो फिलोसफी का पार्ट बन जाएगा, तो फर्दर डिवाइडेड होता है ज्योग्राफिकल थॉट में या ह्यूमन इकोलॉजी में। कि अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन की बात करें तो वो ज्योग्राफिकल थॉट का पार्ट बन जाएगा, वेर एज अगर हम ह्यूमन इकोलॉजी की बात करें या ह्यूमन कल्चर के डेवलपमेंट की बात करें तो वो ह्यूमन इकोलॉजी का पार्ट बन जाएगा। सेकेंड इज विद रिस्पेक्ट टू जब आप फिलोसफी से हट के आप डेटा प्रोवाइड करना शुरू कर दें, यानी कि आप एक नंबर्स प्रोवाइड करने लग जाए तो वो मेथड्स एंड टेक्निक्स आ जाएंगी। तो मेथड्स एंड टेक्निक्स में हमारे पास कार्टोग्राफी यानी कि कंप्यूटर कार्टोग्राफी या एज वेल एज जो पुराने तरीके से हम मैप को ड्रॉ करते थे वो इंक्लूड हो जाएगा। सेकेंडली क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, सर्वेस कन्वे कर रहे हैं, बहुत सारे हम फर्दर जो है प्राइमरी या सेकेंडरी जो है इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डेटा दे रहे हैं। साथ ही साथ फील्ड सर्वेस कर रहे हैं, खुद जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं या सैंपल्स से खुद कलेक्शन कर रहे हैं उसके बेसिस पे। एंड साथ ही साथ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें हम GPS की बात कर लेते हैं, अपनी जितनी भी हमारी सैटेलाइट्स हैं ह्यूमन के द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो हमें वो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं साथ के साथ, उसको भी हम कंसिडर करेंगे अगर हम रीजनल अप्रोच को पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है इवैल्यूएट करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है हमें नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि पहले क्या कंडीशन रही उसके हिसाब से अब क्या कंडीशन है वो हम हेल्प कर सकती है। क्या कौन? फिजिकल ज्योग्राफी जो है हमें बता सकती है कि पहले से और अब में क्या फ़र्क आया है। साथ ही साथ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स का रिलेशनशिप, वही ह्यूमन इंटरडिपेंडेंस आपस में कैसे काम कर रही है, रिसोर्सेज कैसे कंज्यूम कर रहे हैं ह्यूमंस फॉर द डेवलपमेंट, वो हमें फिजिकल ज्योग्राफी बता रही है। सिमिलरली इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स, कि ह्यूमन रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के साथ साथ इकोनॉमिकली एंड कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ है वो हमें क्या कौन बताएगी? फिजिकल ज्योग्राफी। साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्या जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस पैदा किए हैं वो भी हमें फिजिकल ज्योग्राफी के थ्रू ही पता लगेंगे। एंड साथ ही साथ हमें अचीव करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी हमें कहीं ना कहीं फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ से ही पता लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए या क्या ऐसी चीज़ें रोकनी चाहिए करने से ताकि हम सस्टेनेबली डेवलप कर सकें, ताकि हमने ये वादा किया था कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट छोड़कर जाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। फिलहाल जो UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 का है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, विच इज लानीना इज सस्पेक्टेड टू हैव कॉज्ड रीसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ इज लानीना डिफरेंट फ्रॉम एल नीनो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है एंड इसे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।